फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है जी 9.1, इसके दो ही न्यूमेरिकल हैं और दोनों करने हैं। इसकी एग्जांपल आप खुद ही करेंगे, वो सॉल्व है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस थिकनेस 20 सेंटीमीटर, थिकनेस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लो, 20/10 तो मीटर में चेंज हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, ए गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सॉरी मीटर स्क्वेयर है, ठीक है। द टेम्परेचर इन साइड हाउस इज 15 एंड आउटसाइड इज 35 सेल्सियस। तो बेटा जो टी नॉट होगा ना, इसको आपने हमेशा जो इनमें स्मॉलर होगा ना उसको टी नॉट का नाम देना है, इन साइड के या आउटसाइड, इसको टी नॉट का नाम देना है आपने, जो स्मॉलर होगा। 15 में 273 ऐड कर लें तो ये आपके पास 288 केल्विन चेंज हो जाएगा इसमें, और जो टेम्परेचर टी है वो 35 सेल्सियस है, तो 35 में भी हम 273 ऐड कर लेते हैं। तो ये इसी तरह ये भी 8 आएगा और 10308 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपको गिवन है लास्ट में, यहाँ पे देखें लिखा होगा फाइंड द रेट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्ट थ्रू आर रूफ। द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के मीन थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी के आपको गिवन है 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है, ये गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, क्यू ओवर टी ये आपने फाइंड करना है, और जो क्यू ओवर टी है इसका फार्मूला क्या होगा, हम जानते हैं इसका फार्मूला, के एरिया टी नॉट माइनस टी और ओवर में आ जाएगा यहाँ पे एल, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, क्यू ओवर टी और के क्रॉस सेक्शनल एरिया और टी नॉट माइनस टी, T1 T2 भी लिख सकते हैं, जो स्मॉलर टेम्परेचर होगा उसको लार्जर वाले में से माइनस कर लेंगे तो वो भी एक ही चीज़ है। K की वैल्यू 0.65 है, और इसी तरह जो एरिया आपके सामने ऊपर देखें गिवन है वो है 200, यहाँ पे 200 लिखेंगे, और डिफरेंस टेम्परेचर 308 माइनस 288, और डिवाइड आपने किस पे करना है, 0.2 पे। तो बेटा इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। आप जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 0.2, तो इसको सॉल्व कर लें क्यू ओवर टी, तो इसका जो डायरेक्ट आपके पास आंसर आता है रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट का 1300 जॉल पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 1300 जॉल पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट जो सेकेंड न्यूमेरिकल है वो भी इसी तरह ही होगा, थोड़ा सा उसमें डाटा देख लें चेंज है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं 9.2 न्यूमेरिकल। ये देखिए जी 9.2, हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन अ 1 आवर, जो टाइम है ना टी वो आपको गिवन है 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है जी। विंडो बाई ये 2 मीटर, 2 मीटर बाय 2.5, ये एरिया गिवन है कि उसकी लेंथ और विड्थ बताइए, एक 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, तो इसका जो आंसर रहेगा 5 मीटर स्क्वेयर है। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 एंड आउटसाइड इज 5, तो इसका मतलब जैसे हमने टी नॉट को 5 सेल्सियस कहना है, और 5 में आप 273 ऐड कर दें, 278 केल्विन बन जाएगा, और जो टी टेम्परेचर है वो 25 सेल्सियस है, 25 आप 273 में ऐड कर लें और 298 केल्विन, और जो थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी ये 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन गिवन है। फाइंड क्या करना है जी, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये हाउ मच हीट इज लॉस्ट, तो इसका मतलब जस्ट हीट, हमने हीट एनर्जी फाइंड करनी है जिसको हमने जस्ट क्यू कहना है। आपको पता है हमने जो इस चैप्टर में फार्मूला पढ़ा है क्यू ओवर टी थर्मल कंडक्टिविटी एरिया टी नॉट सॉरी टी माइनस टी नॉट। अच्छा उसमें भी हमने ये देखें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे भी देख लें दोबारा, यहाँ पे टी लार्जर टेम्परेचर और टी नॉट यहाँ पे आएगा, ठीक है ये याद रखिएगा। वैल्यू मैंने सही पुट कर दी थी, पहले टी की और फिर टी नॉट की पुट की है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। और ये देख लें टी माइनस टी नॉट ओवर में क्या आ जाएगा लेंथ, अच्छा जी क्यू ओवर टी ए टी माइनस टी नॉट ओवर में एल आ जाएगा। अच्छा क्यू और जो टी की वैल्यू है वो टी जो है वो 3600 है, के की वैल्यू 0.08 है जी, 0.8 लिखा हुआ है। और अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखें, थिकनेस हमने अभी तक नहीं लिखी है, थिकनेस गिवन है हमें, थिकनेस ऑफ ग्लास, यस थिकनेस ऑफ ग्लास गिवन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थिकनेस ऑफ ग्लास किसके इक्वल है वो देख लें। थिकनेस ऑफ ग्लास आपके पास है जी 0.8 सेंटीमीटर, तो बेटा इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.8 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 0.008 मीटर हो जाएगा। तो के की वैल्यू लिखी है, ठीक है, और जो एरिया है वो आपको गिवन है 5 है, और टेम्परेचर 298 में से 278 को माइनस कर दें और डिवाइड किस पे कर लें जी 0.08 पे। क्यों हमने फाइंड करना है, इन सब को सॉल्व करें 0.8 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ जस्ट 20 आएगा, डिवाइड 0.008 और मल्टीप्लाई आपने 3600 से करना है। तो इन कैलकुलेटर से सारे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो लास्ट आंसर है वो है जी 3.6 मल्टीप्लाई 10^7 जूल, ठीक है, ये आ गई हीट एनर्जी। ये लास्ट मेरिकल था, ये जी बुक आपकी कंप्लीट है और इंशाल्लाह हम आगे रिवीजन की तरफ भी जाएंगे और इस न्यूमेरिकल को दोबारा प्रैक्टिस कर लें, वो थोड़े से मिस्टेक हुई हैं उनको देख लीजिएगा, अगर मैंने बाकी सही तो कर लिया हुआ है। और बेस्ट ऑफ लक जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिवीजन की तरफ चलेंगे और आपके टेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह।